हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पिरामिड इन्वेस्टमेंट्स लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू प्लेज योर शेयर इफ़ यू आर यूजिंग द एमटीएफ फैसिलिटी बाय द आईसीआईसी डायरेक्ट यस फ्रेंड आप एमटीएफ शेयर्स ले रहे हो और आपको प्लेजिंग में कोई क्वेरी है कोई क्वेश्चन है किस तरह से प्लेज करते हैं अगर आपको यूज करना है और आपको नहीं पता है किस तरह से ये पूरा प्रोसेस है और उसके फायदे क्या है उसके डिसएडवांटेजेस uh, uh, क्या है वो सारी चीज इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ तो लास्ट तक बने रहना एंड स्टील इफ यू डू नॉट सब्सक्राइब दिरामिड इन्वेस्टमेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रेंड so अगर आप एम टी एफ प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो आपके ट्रेडिंग जर्नी के लिए आईसीआईसी डायरेक्ट के अंदर तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि अगर एम टी एफ को अगर प्लेज नहीं किया तो क्या होगा सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप अगर टी डे में मतलब ट्रेडिंग डे में जिस दे, दिन को आपने ट्रेड डाला है उसको दस बजे से पहले अगर आप प्लेज नहीं करते हो तो आपका जो जो स्टेक है वो दूसरे दिन पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा मतलब कि नेक्स्ट डे सुबह साढ़े नौ दस बजे से बीच में आपका ट्रेड ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो प्लेज करना मस्त है अगर आप एमटीएफ फैसिलिटी का यूज करते हो यूजिंग आईसीआईसीआई डायरेक्ट प्लेटफॉर्म सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस प्लेज मैकेनिज्म तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको क्या करना है आपको 6 बजे मतलब जिस दिन आपने ट्रेड लिया उस दिन सेम डे को 6 बजे आपको मैसेज या ईमेल जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है या फिर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे आपको एन पे आपको एनएसडीएल मतलब अपने जो डिपोजिटरी है नेशनल डिपोजिटरी वहां से आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वो लिंक पे आपको क्लिक करना है वो लिंक आप जैसे ही ओपन करेगा तो डिपोजिटरी मतलब एनएसडीएल का साइड खोलेगा वहां पर आपको पान नंबर एंटर करना है ठीक है पान नंबर जैसे ही आप एंटर कर रहे हो तो नीचे कैप्सा कोड होगा वो कैप्सा कोड में आपको कोड एंटर करना है उसके बाद आपको सबमिट करना है उसके बाद आपको जनरेट ओ करके एक ऑप्शन आएगा उसके ऊपर क्लिक करके आपको ओटी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और रजिस्टर ई पे भेजा दिया जाएगा वो आपको ये जो ईमेल है जो ओ आपको रिसीव हुआ ईमेल पे रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पे वो ओ उसके अंदर एंटर करना है और आपको सबमिट कर देना है दैट्स प्रोसेस इट्स टेक लेस देन वन मिनट प्रोसेस ऑफ द प्लेजिंग बट इफ यू मिस दिस प्लेज बिफोर टेन पीएम

तो यहाँ पे आ, और वन मोर क्वेश्चन ये भी लोगों के रहते हैं कि कितना चार्जेस वगैरह आपको पे करना होता है तो यहाँ पे चार्जेस लिखा हुआ है कि ट्वेंटी रुपीज प्लस जीएसटी आपको एनएसडीएल और सी डी एस है मोस्टली जो आईसीआई डायरेक्ट का वो उसका एनएसडीएल के साथ ही रहता है तो आपको ट्वेंटी रुपीज प्लस जीएसटी आपको पे करना होता है तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू रुपीज आपका इसमें से कटेगा ओके फ्रेंड्स सो दिस इज वॉट द होल प्रोसेस दिस इज वॉट द प्लेज इज ऑल अबाउट तो ये फैसिलिटी आप यूज uh, कर सकते हो एम टी एफ फैसिलिटी आईसीआईसी डायरेक्ट के लिए जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं लेकिन पर्टिकुलरली प्लेज का क्या फायदा है क्या यहाँ पे क्या क्या उसका लुक फॉल है और किस तरह से पूरा प्रोसेस वीडियो आई है आइडिया होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड स्टिल इफ यू डो नॉट सब्सक्राइब द पिरा प्लीज सब्सक्राइब प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए एंड लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग